हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 100 स्क्वायर फीट वॉल की ब्रिक मैशनरी में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, या फिर 1 क्यूबिक फीट वॉल में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी। वो पूरी कैलकुलेशन आज डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारी चैनल को, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो लेट स्टार्ट। अब एक ब्रिक, वह हमें नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करने के लिए ये वॉल ली हुई है। 100 स्क्वायर फीट वॉल का एरिया निकल रहा है, इसके लिए इसके लेंथ है और वेट है वो 10 फीट है, और उसकी थिकनेस हमने ली है 9 इंच। सो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल। वॉल्यूम के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 by 10 इंटू 9 by 12। अब ये 1 by 12 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस वजह से आया है दोस्तों, क्योंकि 12 इंच एक फिट के बराबर होता है। जब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास आएगा कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल हमारा है वो है 75 क्यूबिक फीट। अब एक चीज़ तो हमने निकाल दी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, दूसरा हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। सो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालने के लिए उसके पहले हमारे पास ब्रिक के डायमेंशन होने चाहिए। तो ब्रिक की लेंथ है 9 इंच, वेट है 4 इंच और हाइट है 3 इंच, और सबको हम क्यूबिक फीट में ही करेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल हमने क्यूबिक फीट में निकाला हुआ है। उसके लिए 9 by 12 मल्टीप्लाई बाय 4 by 12 मल्टीप्लाई बाय 3 by 12 रहेगा। तो ये कुछ आएगा 0.75 इंटू 0.33 इंटू 0.25, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.0618 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल भी है और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक भी है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगी है इसमें। वो होगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। दोनों ही वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं आगे। तो ये है 75 क्यूबिक फीट और एक ब्रिक का वॉल्यूम है 0.0618 क्यूबिक फीट। और इसी तरीके से हमारे पास ब्रिक के नंबर आ जाएंगे 12-13 नंबर ऑफ ब्रिक। तो दोस्तों, इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट ब्रिक वॉल अगर है कोई तो उसके अंदर 1213 नंबर की ब्रिक लगेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि एक क्यूबिक फीट में कितनी वॉल निकाल कितनी ब्रिक्स हो सकती है, तो वो भी इजीली निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमने वॉल्यूम पहले ही निकाल रखा है कि ब्रिक वॉल का कितना है, वो आया था 75 क्यूबिक फीट। तो ये जो 1213 नंबर है वो है 75 क्यूबिक फीट वॉल के अंदर। तो एक क्यूबिक फीट के लिए कितनी होगी, उसके लिए 1213 by 75 आप करोगे तो ये आएगा कुछ 16.12, तो मतलब 17 ब्रिक लगेगी। इस तरीके से 100 स्क्वायर फीट अगर वॉल है तो उसके लिए 1213 ब्रिक है, और एक क्यूबिक फीट वॉल है तो उसके लिए 17 ब्रिक लगती है।